हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी जिनी तौस्तौरीन। और इस वक्त मैं दुनिया के सबसे बड़े वो पे मौजूद हूँ जो खास तौर पे खुसूसी तौर पे पैदल चलने वाले अफराद के लिए दुनिया के सबसे बड़े वो में मौजूद हूँ। और दरअसल मैं यहाँ काफ़ी वक्त तक ग्रुप आफ्ताब का इंतज़ार कर रही हूँ, सनसेट का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैंने वो कल चेक लिया लेकिन अभी तक नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अब तक तो टाइम टेबल के मुताबिक अब तो सनसेट का वक्त आ गया, लेकिन सनसेट भी सूरज भी नज़र नहीं आएगा और फिर भी सनसेट का मंजर भी नहीं आएगा। सो बड़ा बो है और ये सब दुनिया का सबसे बड़ा बो है। इस वक्त मैं इस बेड सनसेट का इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला। सो लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के खूबसूरत मनाजिर। अगर जो सनसेट नहीं है लेकिन फिर भी हम भी थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि हमारे, आपको मालूम है कि यह कैंटोन टावर है, यानी क्वांटोन थे, ये दुनिया की सबसे ऊंची टावर भी है। तो हमारे नाज़रीन तो आपके हाँ अब सुपहर का वक़्त है, तो मंजर क्या है, कैसा है, कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। इस वक्त तो मौसीकी आ रही है, म्यूज़िक आ रही है, बहुत से जो लोग कपल्स यहाँ आ रहे हैं, सैर आराम कर रहे हैं, और फैमिलीज यहाँ तो खुशगवार मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो परेशानी है कि सनसेट नहीं है, देखें लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये वो है, ये तो वाकई सैर करने के लिए और आराम कर हमारे जो ब्यूटीफुल गर्ल हमें तो सलाम कह रहे हैं। ये शहर क्वांगचौ में है, ये दरअसल शहर क्वांगचौ का एक लैंडमार्क बन गया है। एक साल में ये अबो मुकम्मल हुआ है, और यू कैन सी दिस वाइज ये बो है, ये दरिया से क्रॉस किया जाता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा बो है जो दरिया को क्रॉस किया जा सकता है। ये तो मेरे ख्याल है कि बहुत से लोग मेरी तरह यहाँ सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर सेल्फी, ब्यूटीफुल सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीर खींच रहे हैं। ये आराम करने की वाकई एक बहुत अच्छा जगह है, और फिर एक बहुत वाइड, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, 15 मीटर है, और हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बोट से इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मीटिंग की कवरेज के लिए शहर क्वांगचौ आ गई, इसलिए वक़्त ज़्यादा नहीं है, और आज से बहर के वक़्त में थोड़ा सा वक्फा है, इसलिए बाहर आ गई और ज़रूर यहाँ के जो लैंडमार्क पहुँच गई, और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर कैसा है और यहाँ के जो लैंडमार्क किस तरह के हैं। ये बो है, ये शानदार, बहुत शानदार वाला, और साथ साथ शटल बस भी हैं, और उधर जैसे मैंने आपको दिखाया है कैंटोन टावर जो दुनिया की सबसे ऊंची टावर भी है, यानी यहाँ आराम करने के लिए ये एक एरे बुरा एरे बन गया है। और मेरे पीछे देखें, मेरे पीछे वो लड़कियाँ वो तो ड्रामा बना रहे हैं, वीडियो भी बना रही हैं। सो ये दिस इज़ द लैंडमार्क। सो देखें वहाँ लोग तो हम पार्क में कुछ खास पे तो पिकनिक कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के। सो क्या इस वक्त आप भी
यानी पिकनिक वो इंजॉय कर रहे हैं या इंजॉय करते हैं कमेंट्स में मुझे बहुत बता दीजिए. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यह आने के बाद मैं खुद तो महसूस कर रही हूँ और कर सकती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं कितने खुशकिस्मत हैं ना कि इस खूबसूरत शहर में जो रहते हैं और साथ साथ जो यहाँ के जो सिटी प्लानिंग का जो मंसूबा काफ़ी अच्छा है और हर जगह जो बहुत सी पब्लिक तंसीबाद अवाम के लिए यानी लोकल पीपल के लिए. सो फ्रॉम दैट लोकल पीपल डोंट नीड टू पे, दे कैन गेट वेरी गुड फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज. सो दिस इज द ये एक बहुत अच्छी बात है कि तरक्की अवाम के लिए, तरक्की लोक पीपल के लिए, तरक्की सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर्स नहीं है, तरक्की सिर्फ हाउ से दैट पैसे नहीं है, तरक्की लोगों की खुशहाली के लिए है. सो हियर मुझे तो महसूस हुआ है कि यहाँ के जो हाउ से दैट यहाँ के जो फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज काफ़ी अच्छे हैं. देखें दौड़ भी सकते हैं, बच्चे हेलो, और साथ साथ खाने भी बहुत इंजॉयबल हैं, बहुत लजीज हैं, ज़बरदस्त वाले हैं, शानदार शानदार फैसिलिटीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी हैं. यू कैन गो बाय ट्रेन, बाय सबवे, बाय बस, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बहुत आसान है और सस्ता भी है. और यहाँ भी दुनिया का जो खूबसूरत तरीन और जदीद तरीन सबवे स्टेशन भी हैं, अगर आप इस पर दिलचस्प रहते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगे. वाह, यहाँ खामोश बन गए हैं, ये वाकई सैर करने के एक परफेक्ट जगह है. जो पौधे उगाने पर भी अहमियत देते हैं, इसलिए वी नीड टू गो आउट, यू कैन गो बाय दिस वे. मैं एक बार फिर घूम गए हैं. So, really enjoy the time here. और यहाँ शॉपिंग के लिए भी बेहतरीन जगह है, क्योंकि जो जिनके बहुत बेशतर जो कपड़े हैं यहाँ से हैं, यानी शहर क्वांगचौ से हैं, इसलिए यानी न सिर्फ चीन में फरोख्त किए जाते हैं बल्कि दुनिया तक फरोख्त किए जा रहे हैं. ये तो कारोबारी के लिए परफेक्ट जगह है और शॉपिंग के लिए, सैर करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए. सो वाकई बहुत इंजॉय कर रही हूँ. और सो थैंक यू सो मच आप लोगों का. नौरिन को इजाज़त दीजिए, बाय 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 बाय.